दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। एचआरटीसी पेंशनों पर शिमला में हुई एफआईआर के विरोध में 8 अगस्त को मंडी में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई सरकार के खिलाफ मंडी में विरोध रैली निकालेगी और पेंशनरों पर हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग करेगी। वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित हुई एचआरटीसी पेंशनरों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के प्रधान अनूप कपूर ने की। बैठक के दौरान अनूप कपूर ने बताया कि शिमला सचिवालय पर प्रदर्शन के दौरान एचआरटीसी पेंशनर और वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध रास्ता रोकने की बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की गई है। वास्तव में स्वयं पुलिस द्वारा सड़क पर पहले ही बैरिकेड लगाकर मार्ग अवरुद्ध किया गया, जबकि पेंशनर लाइन पर सड़क किनारे शांतिपूर्ण सचिवालय की ओर एक महीना पहले दिए गए नोटिस के अनुरूप जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सचिव परिवहन ने सचिवालय में संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की और सभी मांगों पर सहमति जताई और यह बैठक शांतिपूर्ण ढंग से भी संपन्न हुई, पर दुर्भाग्यवश कुछ पेंशनर विरोधी तत्वों ने अपने सरकारी प्रभाव से बैठक में सम्मिलित प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज कराई, जबकि ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही न करने का आश्वासन प्रधान सचिव परिवहन ने बैठक में उपस्थित एसडीएम महोदय द्वारा दिया था। उन्होंने कहा कि पेंशनरों पर की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर 8 अगस्त को मंडी में एचआरटीसी पेंशनर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में मंडी जिला के लगभग 500 पेंशनर भाग लेंगे। आज की विशेष बैठक 8 तारीख को परिवहन पेंशनरों द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमारी प्रमुख मांगें जो हैं वो रखी जाएंगी, जिसमें सबसे बर्निंग पॉइंट जो है हमारे संघर्ष के दौरान 8 जून को शिमला टालाइन पे जो वरिष्ठ नागरिकों और एचआरटीसी पेंशनरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसका विरोध राज्य कार्यकारिणी ने लिया है और प्रदेश भर में 8 अगस्त को एचआरटीसी के पेंशनर माननीय जिलाधीशों और एसडीएम के माध्यम से सरकार के पास अपना जो है मेमोरेंडम पेश करेंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा जो है हमारा वो फिर वही एफआईआर है, क्योंकि सरकार ने एफआईआर करके एचआरटीसी पेंशनरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। मैं धन्यवादी हूँ परिवहन सचिव का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों को 8 जून को वार्ता के लिए बुलाया और हमारी सभी न्याय संगत मांगें जो हैं वो पूर्ण की, परंतु इसी षड्यंत्र के तहत शाम होते होते उन्हीं लोगों के खिलाफ जो कि वार्ता में सम्मिलित थे, हमारे जो प्रतिनिधि थे, उनके खिलाफ जो है छोटा शिमला थाना में जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 1/8/20 को उन 9 पेंशनरों ने जो है अपनी जमानतें भी ले ली हैं। तो हम इस बात का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कारण है कि एक तरफ सरकार हमारी मांगे जो हैं सहानुभूतिपूर्ण सुन रही हैं और पेंशनरों को सचिवालय में बुला रही है और उन्हीं पेंशनरों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी प्रकार इसीलिए 8 तारीख को मंडी से लगभग 500 पेंशनर वरिष्ठ नागरिक भवन से धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी महोदय को ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इसका संज्ञान लें और हमारे विरुद्ध जो झूठी एफआईआर की गई है उसको तुरंत वापस लें। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।